Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you, CBL. Thank you so much, CBL. That's our experience. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSAT MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, विच शुड इंश्योर देयर बेस्ट रिजल्ट इन हरियाणा HCS प्रीलिम्स एग्जाम। दिस वीडियो is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. Abhi tak hum log kar chuke hain January 2023 ke current affairs थ्रू MCQs. आज हम शुरू करने जा रहे हैं दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स थ्रू MCQs. इसमें ना तो सिर्फ आपको मैं ये बताऊंगी कि ये जो MCQ है वो कैसे सॉल्व करना है, बल्कि इस MCQ के बेस पर कोई भी अगर बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फाउंडेशनल कोई भी थ्योरी है, उसको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे, ताकि एग्जाम में पेपर में सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि उसके साथ जितनी भी चीज़ें एसोसिएटेड हैं वो भी सारी आपके कवर हो जाए. ठीक बात है. तो आज हम करेंगे 20 MCQs. दिस इज द वीडियो नंबर 2 ऑफ दिसंबर, मतलब पार्ट 2 ऑफ दिसंबर है ये. चलिए शुरू करेंगे फर्स्ट MCQ के साथ में. क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रलय मिसाइल. बहुत सारे मिसाइल्स हैं हमारे पास, इन सब में से ना एक तो जो कुछ बेसिक है वो पता होनी चाहिए हमें. जैसे हमारे पास है 1983 में एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसमें हम लोगों ने टोटल 5 मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया था एंड दिस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी. ये जो 5 मिसाइल्स थी, ये थी आपकी अग्नि, ये थी आपकी पृथ्वी, आकाश, नाग, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और त्रिशूल. ये 5 थी मिसाइल जिसको आप लोग पतन के नाम से भी याद कर सकते हैं. ये तो पता हो कि हाँ ये 5 मिसाइल थी. इसके साथ आपको ये पता हो कि कोई भी जो मिसाइल होती है वो बैलिस्टिक होती है या क्रूज होती है, दोनों में क्या अंतर है, है ना. अगर हम बैलिस्टिक की बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं जो मेनली हम लोग अटैक के रूप में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वो मिसाइल्स हैं जो कि हम लोग इंजन्स के थ्रू एटमोसफेयर के बाहर भेजते हैं और फिर यहाँ पर जाकर इंजन बंद हो जाता है. उसके बाद ये जो मिसाइल है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही नीचे की तरफ आती है, इसीलिए इसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती. अटैक के लिए है, इस तरीके से ये काम करती है, बहुत रेंजेस की होती हैं ये. और उसके बाद आती है आपके क्रूज मिसाइल, जिसको हम लोग स्पेशली डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं. अगर हमारे पास कोई भी मिसाइल आ रही है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए हम लोग लॉन्च करते हैं क्रूज मिसाइल, जो सारे टाइम ऐसे चलती रहती है हवा में. और हवा में ही जो मनूवरिंग है वो भी होती रहती है कि अपना रास्ता ही चेंज कर सकती है. जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो रास्ता अपना चेंज इतनी जल्दी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर हाई पेलोड एंड बिकॉज ऑफ देयर हाई मास. ठीक है, तो वैसे ही आपने मिसाइल्स का टाइप पता हो और वैसे ही आपको मिसाइल्स के जो ये नाम है इस प्रोग्राम के अंदर वो पता हो. अब आते हैं प्रलय मिसाइल पे. स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहती है, इट इज़ ए सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल. देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल है नो डाउट, लेकिन ये ना आपकी है सेमी बैलिस्टिक मिसाइल. इसका मतलब होता है कि एक ऐसी मिसाइल जो कि बैलिस्टिक भी है और वो क्रूज भी है. बैलिस्टिक का मतलब होता है कि इसको हम लोग लॉन्च करेंगे, एटमोसफेयर में एंटर करेगी और फिर उसके बाद ग्रेविटिक इन्फ्लुएंस में नीचे आएगी. एक तो ये है बैलिस्टिक, तो उसमें से एक पोर्शन है इसका कि इसको हम लोग लॉन्च करेंगे
एटमॉस्फेयर के बाहर भेजेंगे और फिर यहाँ पर आकर ये रुक जाएगी, लेकिन इसके बाद ये हवा में भी मनूवर कर सकती है, अपना पाथ चेंज कर सकती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि दिस ऑल्सो हैज़ द कंसेप्ट ऑफ क्रूज मिसाइल। तो ये बैलिस्टिक भी है, ये क्रूज भी है, इसीलिए इंडिया की ये है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल प्लस सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्या मिसाइल बैलिस्टिक है कि क्रूज है, तो लिखना बैलिस्टिक। अगर पूछा जाए कि बैलिस्टिक है कि सेमी बैलिस्टिक है, तो लिखना आप लोग सेमी बैलिस्टिक। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है आपकी, सही मानेंगे इसे हम लोग। सेकंड, इट कैन हिट द टारगेट अप टू 500 किलोमीटर। देखिए जो ये जो मिसाइल्स होती हैं इनकी जो रेंज होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी अराउंड रेंज है आपकी 150 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। तो बात सही है, इसकी रेंज भी इतनी ही है, सेमी बैलिस्टिक है, आउटर एटमॉस्फेयर में जाएगी बैलिस्टिक की तरह, लेकिन हवा में मनूवर करेगी क्रूज की तरह। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों ही करेक्ट है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी बोथ वन एंड टू। और अभी रिसेंटली क्या है, इंडियन आर्मी ने इसको प्रोक्योर करने का भी फैसला लिया है कि हम इसको खरीदेंगे, और ये बनाई जा रही है बाय DRDO। ठीक है, इसको हम लोग कहीं और से नहीं खरीद रहे हैं, हम इसे DRDO से ही बनवाएंगे और खुद ही इसको फिर परचेज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। देखिए ऐसा वाटरक्राफ्ट जो कि कोस्टल एरियाज में चलता रहता है, कोई भी इलीगली एंटर ना कर जाए, कोई भी इलीगली ड्रग्स स्मगलिंग ना कर जाए, और कोई भी सबमरीन हमारे वाटर्स में इस तरीके से ना आ जाए कि हम पर अटैक कर सके। तो उसको देखने के लिए, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने लॉन्च किया है कौन सा वाटर एयरक्राफ्ट, उसका नाम पूछा गया है। अभी तक इंडिया में स्पेशली एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं वो नहीं थे, क्योंकि ये वो वाटरक्राफ्ट होते हैं जो कि बहुत स्पीड से चलते हैं, स्पीड इज़ वेरी वेरी हाई इन दीज केसेस। तो एक ही टाइम में बहुत, पहली बात तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत जल्दी ही पूरा जो कोस्ट है उसको कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए सबमरीन है या नहीं है, अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उन सभी पर ये हमें चेतावनी दे देगा। नाम क्या है लेकिन इसका, ऑप्शन है आपके INS अर्नाला, INS आकृति, INS आरूत, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है इसका, ए INS अर्नाला, जिसको रिसेंटली बनाया गया है बाय GRSE। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ये ध्यान रखेंगे, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है इसको फॉर द इंडियन नेवी, और खास करके इसका जो काम रहेगा वो यही होगा कि वाटर में सबमरीन है या नहीं है, अटैक के पोजीशन में है या नहीं है, वो देखना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट 75। देखिए जो 75 प्रोजेक्ट है हमारा, पहली बात तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच का प्रोजेक्ट है, जिसमें फ्रांस की तरफ से भी और प्लस स्पेन की तरफ से भी किया गया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसके बारे में लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है थ्रू MCQs ही। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, इट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स। देखिए स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स होती हैं वो सबमरीन जो कि पावर्ड होती हैं डीजल से और इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये बात सही है कि जो 75 प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें फ्रांस से हम लोग लेने वाले हैं 6 सबमरीन्स जो होंगी डीजल प्लस इलेक्ट्रिक, डीजल भी चाहिए होगा प्लस इलेक्ट्रिसिटी से भी ये चल सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल सबमरीन्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। देखिए अभी तक ना सिर्फ और सिर्फ 5 सबमरीन्स आई है हमारे पास, हमने इनके नाम भी याद किए थे, INS कालवारी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। ये इसी सीक्वेंस में भी हम लोगों ने लॉन्च करी है। अभी INS वागीर जो थी जनवरी वाले मंथ में हम लोगों ने इसको कमीशन कर लिया था इंडियन नेवी के अंदर, तो टोटल 5 जो हैं अभी तक कमीशन हो चुकी हैं, 6 नहीं हुई अभी तक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है आपकी गलत। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो फर्स्ट ही सही है सिर्फ, तो आंसर वुड बी A1 ओनली। अगर आप इस 75 प्रोजेक्ट को दूसरा नाम भी देंगे तो वो भी सही होगा, फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या कह देते हैं, कालवारी प्रोजेक्ट। तो किसी भी प्रोजेक्ट का जो नाम है उसकी पहली शिप के नाम पर भी अगर रखा जाएगा तो आप समझ जाना कि किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेयर विल कंट्रीज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम बी इनॉग्रेटेड। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या नन ऑफ द अबव।
देखिए इन्फेंट्री म्यूजियम कौन सा होगा, ये म्यूजियम वो होगा जहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पर अभी बैटल्स लड़ी गई हैं 1747 से लेकर 2020 तक, जितने भी लोगों ने अपनी शहादत दी है देश के लिए या इंडिपेंडेंस के लिए, उन सभी की जो जीवनी है, उन सभी के बारे में जो बातें हैं वो सब यहाँ पर लिखी जाएंगी। और अगर हम बात करें कि कहाँ पर ये होगा, तो आंसर है इसका ए मध्य प्रदेश। मोह एक जगह है मध्य प्रदेश में, मोह कैंट में ये जो म्यूजियम है ये इनॉग्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज दी आंसर। और ये कंट्री का पहला ही इन्फेंट्री म्यूजियम है, इंपॉर्टेंट है। 47 से लेकर 2020 तक जितने भी सेक्रीफाइस हुए हैं बाय इंडिविजुअल्स, उन सबको यहाँ पर रखा जाएगा। और साथ में जो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, 1962 का वॉर, 71 का वॉर, 65 का वॉर, कारगिल का वॉर, इन सब में भी जिन्होंने शहादत दी है उन सभी को नमन प्रणाम किया जाएगा और यहाँ पर उन सबके बारे में लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, मोह कैंट है और मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राफेल जेट। अभी रिसेंटली पूरे के पूरे जो 36 राफेल जेट्स हैं ये इंडिया ने प्रोक्योर कर लिए हैं बाय फ्रांस, इसलिए काफी न्यूज में रहा था ये। ऑप्शन नंबर वन क्या कहता है, इंडिया हैज रिसीव्ड ऑल 36 राफेल फाइटर जेट्स, न्यूज में इसलिए था तभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनाया गया है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड, राफेल जेट स्क्वाड्रन्स आर स्टेशन एट अंबाला हरियाणा। देखिए अंबाला में तो है ही है ये, लेकिन साथ में वेस्ट बंगाल में भी है, तो अंबाला प्लस वेस्ट बंगाल दोनों ही जगहों पर ये स्टेशन हम लोगों ने किए हुए हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी, राफेल जेट्स हैव बीन बिल्ट बाय डसॉल्ट एविएशन फ्रांस। कभी अगर लिखा आ जाए कि दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बट द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज फ्रॉम फ्रांस, ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी फ्रांस की है, ये बने भी फ्रांस में है और बस इंडिया ने इनको यहाँ पर डिलीवर करवाया है। ठीक है, तो इंडिया का इसमें बनाने में या मैन्युफैक्चर करने में कोई भी इसका रोल नहीं है। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके सही हैं। पूछा भी क्या है आप लोगों से, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, तो डी ऑल ऑफ दी अबव आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा वेस्ट बंगाल में एक जगह है हसीमारा, वहां पर है, ध्यान रख लेंगे क्योंकि जगह भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अंबाला इंपॉर्टेंट है ना हरियाणा में, वैसे ही जगह का नाम भी वेस्ट बंगाल वाली का इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग INS इक्षक। अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर वन क्या कहता है, इट इज ए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ओके एंड यस इट हैज बीन, और सेकेंड स्टेटमेंट कहती है आपकी इट हैज बीन बिल्ट बाय स्पेन। देखिए जो दोनों ही चीजें हैं गलत हैं, तो इसमें पूछा क्या है आप लोगों से करेक्ट, तो कोई भी सही नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका डी नाइदर वन नॉर टू। अब ये है क्या, लेकिन इक्षक है आपका एक सर्वे वेसल, सर्वे वेसल का मतलब होता है कि आपने पूरे कोस्ट का सर्वे करना है कि कोई भी जो फिशिंग है इलीगल तो नहीं हो रही है, कोई भी जो स्मगलिंग है वो इलीगल तो नहीं हो रही है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी, कोई भी इंडिविजुअल इलीगली एंटर तो नहीं कर रहा है इंडिया के कोस्ट से, तो वो सब जो चीजें हैं ये सर्वे वेसल इनको हम कहते हैं। इनको ना आप लोगों बोल सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वेलेंस वेसल, है ना, तो वो सब चीजें भी जो हैं ये करते हैं, सर्वेलेंस रखते हैं, सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं, कोई भी अगर खतरा मंडराता हुआ नजर आता है तो उसके बारे में मतलब पूरा आगाह करते हैं पूरी नेवी को, आर्मी को, तो सर्वे वेसल है बेसिकली ये, तो ये डिस्ट्रॉयर तो नहीं है। और दूसरा इसमें ऑप्शन था कि ये स्पेन ने बनाया है, नहीं ये इंडिया ने ही बनाया है। देखिए इंडिया में ना दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, एक तो है आपका ये मेजोंगाओ डॉक शिप बिल्डर्स MDL जो है ये लिमिटेड, दूसरे हैं आपके GRSE, ये दोनों ही जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी शिप के बनने के लिए, किसी भी सबमरीन के बनने के लिए, तो दोनों में आपने ध्यान रखना है कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं इक्षक की बात करूँ तो इसमें GRSE जो है जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और L&T शिप बिल्डिंग चेन्नई में जो है, इन दोनों ने मिलकर ये बनाया है। अगर आप दूसरे बातों की बात करोगे तो उसमें MDL का रोल बड़ा रहता है कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और बाकी जो सारे और चीजें हैं वो MDL भी संभालता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों के अलग अलग हेडक्वार्टर्स हैं, दोनों के अलग अलग रोल्स हैं, दोनों को अलग अलग प्रोजेक्ट भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों में से कुछ भी सही नहीं था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एक्सरसाइज सूर्य किरण इज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश या फिर इंडिया चाइना, तो इसका आंसर है आपका इंडिया नेपाल।
लेकिन इसके बावजूद आपको पता हो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज का नाम क्या है और इंडिया चाइना के बीच एक्सरसाइज जो होती है उसका नाम क्या है। अगर हम चाइना की बात करें तो एक्सरसाइज का नाम है आपका हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड है आपकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो आर्मी वालों की है, मिलिट्री है। अगर हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो दो है इसमें, एक है आपका बोंगो सागर। बोंगो सागर है इंडिया बांग्लादेश की नेवल एक्सरसाइज और एक है आपकी इसमें संप्रीति। संप्रीति है आपका इंडिया बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपको ये तो पता हो ही हो कि सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच में, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सी भी पता हो। अगर हम भूटान की बात करेंगे तो एक्सरसाइज है आपकी पैनिक्स, लेकिन ये सिर्फ भूटान के बीच नहीं है, ये बाकी और 7 कंट्रीज के बीच में भी कनेक्ट की जाती है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखने हैं इनके जो पर्टिकुलर नेम है, क्योंकि क्वेश्चन अभी सूर्य ग्रहण पर आया है, क्या पता पेपर में, एक्चुअल पेपर में हैंड इन हैंड के ऊपर आ जाए, है ना। तो जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसके आसपास का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता हो, वो कुछ मैं बता रही हूँ, कुछ आपको अगर खुद रिसर्च करना है तो आप कर सकते हैं। पढ़ने के लिए कभी कोई रोक टोक नहीं है, जितना आप पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ सकते हैं, जितना टाइम आपको अलाउ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज समाचार बोध। अ रीसेंट एक्सरसाइज बाय इंडियन आर्मी वॉज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शन है आपके हरियाणा, पंजाब, यूपी या नन ऑफ द अबव। दे ये जो एक्सरसाइज है ये है समाचार बोध। इसमें हम बेसिकली करते हैं कि वो पर्टिकुलर टेरेन जहां पर अगर फ्यूचर में कोई भी अटैक हो जाता है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी उससे बचने के लिए। तो ये जो एरिया है ये है आपके पंजाब का एरिया। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। इंडियन आर्मी का जो एरावत डिवीजन है उन्होंने ये सारी जो चीज़ें हैं ये करी हैं ताकि एक्चुअल टाइम पर कोई भी हमारी जो कम्युनिकेशन है ये हमारी सफ़र ना करे। तो समाचार बोध है, पंजाब वाले एरिया में की गई है, इंडियन आर्मी ने की है, इसका है एरावत डिवीजन। देखिए बहुत चीज़ें ना हमारी अभी पेपर में आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कि नेम ऑफ एक्सरसाइजेस किसने करवाई है, मिलिट्री है, नेवल है या एयरफोर्स है। इनको अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि इनको याद करें हम लोग बाय निमोनिक्स, कि कोई भी स्टोरी जोड़ दी इनके साथ, कोई भी नाम जोड़ दिया इनके साथ, तब ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी, अदरवाइज़ ये आप उनको भूल जाएंगे। तो इसीलिए जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो याद करने के लिए पढ़ना प्लीज़, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। भले ही दिन में 4 फैक्ट्स याद करो, बट वो 4 फैक्ट ऐसे याद करने हैं आपने कि अगर कोई आपसे 4 साल बाद भी पूछेगा तो आपको पता होंगे वो, है ना। तो फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों पर ही हम काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है क्या ना कि फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं और जो हम ये कहते हैं कि हमसे फैक्ट्स नहीं याद होते, तो प्लीज़ याद कर लीजिए, फैक्ट्स भी हमें याद करने हैं। कॉम्पिटिशन हमारा बहुत सारे बच्चों के साथ है जिनको ऑलरेडी चीज़ें पता हैं, तो इनसे भी अगर हमें कम्पीट करना है तो हमें अपना जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना कोशिश आप कर सकते हैं याद करने की उतना कोशिश आप कीजिए याद करने की, और कोई भी कंसेप्ट अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है तो उसको हम किसी और तरीके से समझने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन आप बताएंगे तो हमें ना कि ये समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ भी चीज़ अगर आप याद कर रहे हैं तो किसी न किसी स्टोरी, किसी न किसी निमोनिक, किसी न किसी डेट, किसी न किसी पर्सन के नेम से बिल्कुल आपने ज्वाइन करनी है, तभी वो याद रहेगी, अदरवाइज वो याद नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मैच दी फॉलोइंग। हम लोगों ने इसमें एक्सरसाइज को मैच करना है, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। हरिमाऊ शक्ति है इंडिया एंड मलेशिया दिया हुआ है, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है आपका इंडिया एंड सिंगापुर। देखिए इंडिया के साथ बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, कोई आपकी बायलेटरल है, कोई आपकी ट्राइलेटरल है। जो बायलेटरल है खास करके वो कंट्रीज जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर आपकी आसियान कंट्रीज हैं, इनके साथ जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उन सब के नाम आपको पता होने चाहिए, और जो भी न्यूज़ में रहेगी एक्सरसाइज उसका नाम आपको याद करना है, और इसके बारे में कोई भी हम दो राय नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो पूछा गया है आप लोगों से इसमें करेक्ट, तो दोनों ही जब करेक्ट हैं तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी बोथ 1 एंड 2। फॉर एग्जांपल आपको अब याद करनी है कोई भी चीज़ की एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति है, इंडिया और मलेशिया के बीच में है, तो आप किसी न किसी निमोनिक के थ्रू बना सकते हैं, है ना, कि कुछ भी कि एशिया है, मलेशिया है, मलेशिया के साथ कोई भी हरि का नाम जोड़ दिया, है ना। है तो मलेशिया बहुत डेवलप्ड लेकिन हमारे जो हरि कृष्ण भगवान है वो किसी से कम थोड़े, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं कि मलेशिया होगा अपने घर में होगा, हमारे यहाँ पर हरी चलते हैं तो उनकी शक्ति चलती है, तो
ऐसे कुछ बना के आप याद कर पाओगे तो बहुत अच्छे रह जाओगे। और हर चीज़ आपने ऐसे ही याद करनी है, चाहे कोई कंट्रीज हैं जो टच करती हैं वाटर बॉडीज़ को, कुछ वाटर बॉडीज़ हैं जो टच करती हैं किसी और वाटर बॉडीज़ को, स्ट्रेट को आपने याद करना है किन्हीं दो वाटर बॉडीज़ के बीच के एरिया को, तो आपने ऐसे ही उनको बार 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 याद करना है। ठीक है, दोनों में दोनों ही सही हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी बोथ वन एंड टू। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर। अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये ही सभी सेटेलाइट्स को बनाता आ रहा है और ये ही लॉन्च करता हुआ आ रहा है, लेकिन इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने प्राइवेटली एक लॉन्च पैड जो है वो सेटअप किया है। उसके बारे में क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर वन क्या कहता है, इट हैज बीन सेट अप बाय स्पेसटेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस। ये बात सही है, ये स्टार्टअप ऐसा है जिसने काफी ज्यादा आग लगा दी पूरी दुनिया में, अग्निकुल तभी तो उसका नाम है। तो इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर के बाद जो अग्निकुल कॉस्मोस है, ये इंडिया का नया लॉन्च पैड सिस्टम बनेगा और बनाएगा और कंट्रोल सेंटर भी बनाएगा कि कोई भी चीज़ अगर आपने लॉन्च करी है तो वो कहाँ पहुँची है अभी तक और कैसे आपने उसको ट्रैक करना है, कैसे ट्रेस करना है, वो सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर पता लग जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, इट प्लान्स टू लॉन्च इट्स कस्टमाइजेबल अग्निबान रॉकेट विच इज़ अ टू स्टेज लॉन्च व्हीकल दैट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग पेलोड्स अप टू 100 किलोग्राम टू अ लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि ये अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड हम लोग छोड़ते हैं सेटेलाइट्स, ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट अराउंड 400 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, फिर आता है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिसमें हम बात करते हैं कि 2000 से लेकर 3000 तक के किलोमीटर के ऑर्बिट्स हैं, और फिर आते हैं आपके हाई अर्थ ऑर्बिट्स जिसमें आपका 3, 5, 7, 8, 6 किलोमीटर का जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है उसमें हम लोग इसको लॉन्च करते हैं, है ना। अब हम लोग जब भी लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, बट लॉन्च करने के लिए हमारे पास होते हैं लॉन्च व्हीकल्स, उसमें हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं PSLV और यूज़ कर रहे हैं उसमें हम लोग GSLV। अगर हम PSLV की बात करें तो एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो आपका अर्थ के अराउंड पूरा इस तरीके से पोलर ऑर्बिट में लॉन्च हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा पेलोड्स को कैरी करके ऊपर लेकर जा सकता है ये, और GSLV जो है आपका ये और भी ज्यादा भार को कैरी कर सकता है, अराउंड 4000 kg, अराउंड आपका 10000 kg भी ये कैरी कर सकता है, ऊपर तक जा सकता है ये हमारे काफी लो अर्थ ऑर्बिट तक भी। स्टेशनरी ऑर्बिट जो है हमारा 35786 पर, उस पर भी लॉन्च करवाने के लिए हम लोग ये GSLV ही यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास ये है, लेकिन अगर मुझे कोई लॉन्च करनी हो कोई सैटेलाइट तो उनको बनाने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं कि सैटेलाइट इतनी सारी हैं आपने ये लॉन्च व्हीकल तैयार कर दो हम सबको एक साथ ही भेज देंगे। लेकिन अगर कोई मिसाइल ऐसी है जो आपने अभी भेजनी है, सैटेलाइट ऐसी जो अभी भेजनी है आपने, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो टू स्टेज लॉन्च व्हीकल है अग्निबान रॉकेट जो कि जा सकता है LEO तक, कितना भार लेकर, अराउंड 100 किलोग्राम का भार लेकर ये ऊपर चढ़ सकता है। तो ये बहुत इजी रहेगा बनाने के लिए भी, इसरो ने बनाना भी नहीं है, बनाना किसने है, अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाना है। तो इंडिया विल हैव द अदर ऑप्शन कि PSLV GSLV के बाद हमारे पास ये अग्निबान रॉकेट भी है। ठीक है, पूछा गया है आप लोगों से इसमें करेक्ट, तो दोनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी बोथ वन एंड टू। ये कंपनी का नाम है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है और सारे के सारे जो चीज़ें हैं आपको पता हो कि LEO अप टू 700 किलोमीटर तक जा सकता है, कितना भार लेकर, 100 किलोग्राम तक लेकर। चलिए, होप यू एंजॉयड दिस सेशन, टू वॉच द फुल वीडियो एनरोल नाउ बाय कॉलिंग ऑन द नंबर गिवन बिलो और विजिटिंग आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com और डाउनलोडिंग आवर लर्निंग ऐप चेतन भारत लर्निंग।